am, my man? Stuff keeps disappearing in the room. What room? हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल और आज फाइनली मैं मेरे चैनल पर एक और प्रसिद्ध सुपरनेचुरल और साईफाई सीरीज द लॉस्ट रूम एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आईएमडीबी पर जबरदस्त 8.2 की रेटिंग है, जो मुझे भी बहुत ज्यादा ही पसंद आई। इसलिए मैक्स हडसन और मनदीप सिंह को धन्यवाद मुझे ये रिकमेंड करने के लिए। सीरीज बहुत ही लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सीधे शुरुआत करते हैं इसके कहानी से। सीरीज की शुरुआत एक पॉन शॉप से होती है, जहाँ कुछ लोगों के स्टाइल ऑफ मीटिंग को देख ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यहाँ कुछ खुफिया डील होने वाली हो। पर सरप्राइजिंगली उनमें से डीलर सूटकेस से एक साधारण किसी मॉडल की रूम नंबर 10 की निकालता है, जिसे देखकर बायर एकदम चौंक जाता है, जैसे सच में उस की के पीछे कुछ खास हो। और भी अजीब कि अब बायर अपनी ट्रंक से एक पोर्टेबल दरवाजा असेंबल करके उस की को उस डोर पर ट्राई करने पड़ता है, पर डीलर उसे ऐसा करने नहीं देता। मानो इससे कुछ खतरनाक या अद्भुत हो सकता है, पर बायर बिना ट्राई करने से रहा। और जैसे ही वो उस की से अपने पोर्टेबल डोर को ओपन करता है, उसे कोई रहस्यमय सुपरनैचुरल रोशनी नजर आती है, इवन दो उस डोर की दूसरी साइड कुछ भी नहीं है। और अब हमें उस की जादुई खासियत समझ आती है, जैसे वो कोई डोरेमोन की तरह मैजिकल डोर हो। बायर तुरंत अपने किसी बॉस को कंफर्म करके सेलर को मिलियंस में पेमेंट करता है, पर इससे पहले कि सेलर पैसे लेकर गायब हो, उसका लीडर द वीजल उसे बोझ लेता है, क्योंकि उसने उसी को धोखा देकर वो की उड़ाई थी। अब विजल आखिरी मौका देता है बायर को की रिटर्न लौटाने की, पर वो देने से साफ इनकार कर देता है। अब पता नहीं क्यों, पर बिना डरे विजल एक साधारण सा पेन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, और उस पेन से उस पर वार करते ही कुछ अजीब ही शॉप पर गरजता है, जिसके तुरंत बाद सीरीज के लीडिंग कैरेक्टर डिटेक्टिव जो की एंट्री होती है, जो अपने जिगरी दोस्त ऑल्सो पार्टनर लू के साथ उसी पॉन शॉप क्राइम सीन पर पहुंचता है, जिन्हें अपने जिंदगी का सबसे अजीब क्राइम सीन का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें एक ही लाश मैस्ड इनटू वॉल, जिसके शरीर में राइफल घुसेड़ा और उसका पूरा शरीर जला हुआ होता है, दूसरे की लाश भी सीलिंग में आधी गड़ी हुई मिलती है, जो वही डीलर्स हैं। वहीं पूरा शॉप ऐसे स्मेल कर रहा होता है जैसे इसे भट्टी की तरह भुना हो, यानी कि इसका मतलब कि वो पेन भी कोई अद्भुत हथियार था। डिटेक्टिव्स को ये रॉबरी का केस नहीं लगता, क्योंकि उन्हें कैश मशीन इंटैक्ट मिलती है, और वारदात के कुछ पिक्चर्स लेने के बाद अब हमें जो के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। जो के लाइफ में सिर्फ उसकी बेटी एना ही है, जो उसके सबसे करीब है, पर पत्नी से डिवोर्स हो जाने के कारण अब वो एना के कस्टडी के लिए लड़ रहा है, जिसका मोस्ट लाइकली वर्डिक्ट उसकी पत्नी के हित में जाने वाला है। उनका साथी रूबर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट वारदात की जांच करने पर सबसे परेशान करने वाली खोज करता है कि ऑल्दो उनका शरीर पूरी तरह से जला हुआ है, पर उनके कपड़ों को कुछ भी नहीं हुआ। वहीं सीलिंग पर लटके हुए की लाश जांच करने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उसे किसी कैनन से शूट किया हो, पर वो गुत्थी को सुलझा नहीं पाता कि आखिर किसने क्यों और ये कैसे अचीव किया। इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चलता है कि ये स्टोर किसी बिजनेसमैन काल को बिलोंग करता है, और इस वारदात का एक पॉसिबल सवाई विटनेस इग्नाशियो अब फरार है, जिसे लकीली जो अच्छे से जानता है। बाद में विजल के गुस्से से हमें पता चलता है कि इग्नाशियो की लेकर भाग निकला, पर लकीली जो उसे पहले ही ढूंढ निकालता है, पर जब तक वो उसे पकड़े वो उसी की का प्रयोग करके किसी और दुनिया में गायब हो जाता है। जो के ओपन करने पर वो सिर्फ एक बाथरूम निकलता है, पर लकीली वो उसी रात फिर से धर लिया जाता है। जो जानता है कि वो एक अच्छा किड है, इसलिए प्यार से उससे पूछताछ करता है कि आखिर उस शॉप में हुआ क्या था उस दिन, और वो की किस मॉडल को बिलोंग करता है, जिस पर इग्नाशियो एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि वो मॉडल एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं सिंस किसी समय में जो ने उसे किसी केस में फंसने से बचाया था, वो उसके भलाई के लिए उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, इससे पहले कि उसकी भी जान खतरे में पड़े। जो फिर भी जिद करता है सब जानने के लिए, इसलिए अंत में जो से की छीन कर वो फिर से की मदद से किसी और दुनिया में गायब हो जाता है, जिसे देख जो फिर से एकदम भौचक्का हो जाता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। अगले दिन पूछताछ के लिए दोनों शॉप के ओनर काल से मिलते हैं, पर उससे उन्हें कुछ ठोस नहीं मिलता। पर अब मूवी में एक नया ट्विस्ट, कोई और एजेंट्स इग्नाशियो की जान के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए जान बचाते हुए वो फिर से की मदद से बच निकलने की कोशिश करता है, पर तब तक उसे एक गोली लग जाती है और वो सीधे जो के घर में निकलता है। मरते मरते वो एक बड़ी खुलासा कर जाता है कि ये
कि किसी भी दरवाजे को ओपन कर सकता है। अब क्राइम सीन क्लीन करने के बाद जो का ध्यान इग्नाशियो की कहे बात पर अटक जाती है और क्यूरियोसिटी में जब वो की अपने क्लोजेट के डोर पर ट्राई करता है, वो क्लोजेट के बजाय कोई मैजिकल अननोन मॉटल रूम ओपन होता है जो शायद वही रूम नंबर 10 है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर साफ समझ आता है कि ये इस समय का भी नहीं है। अब वो जैसे ही फिर से की के मदद से रूम से एग्जिट करता है, अब वो खुद को किसी अननोन बीच पर पाता है। उसी रूम से जब वो एक और बार, पर इस बार बिना की के डोर को ओपन करता है, वो किसी रैंडम लोकेशन पर ओपन होता है, जिससे फाइनली जो की के एक नियम को सुलझा लेता है कि की का प्रयोग करने वालों को मोटल रूम से की के साथ एग्जिट करते हुए साफ आइडिया होना चाहिए कि उन्हें कहां जाना है। और इस बार अपने घर का सोचने पर वो डायरेक्टली अपने घर के उसी क्लोजेट के डोर से निकलता है, जो उसकी बेटी एना ये चमत्कार देख लेती है। और आगे स्मार्ट एना जो के लिए उस मिस्टीरियस रूम के और भी असामान्य रहस्य को सुलझा देती है। पहला कि वो मिस्टीरियस रूम नंबर 10 सिर्फ की होल्डर ही एक्सेस कर सकता है। दूसरा कि ये नेसेसरी नहीं है कि एंट्री या एग्जिट डोर किसी दीवार से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इनफैक्ट वो एक पोर्टेबल डोर भी हो सकता है। जरूरी सिर्फ ये है कि वो एक हिंज डोर और उसमें टम्बलर लॉक होना चाहिए। किसी और तरह का लॉक या स्लाइडिंग डोर या रोटेटिंग डोर्स पर वो ना तो काम करेगा और ना ही की होल्डर किसी ऐसे रूम या लोकेशन पर लैंड कर सकता है जिसके दरवाजे नॉन हिंज या लॉक नॉन टम्बलर टाइप्स हो। तीसरा कि उस की का प्रयोग करने से की होल्डर किसी भी डोर को एक पोर्टल में बदलकर उस मिस्टीरियस रूम में एंटर कर सकता है और उस रूम से की का प्रयोग करके एग्जिट करते वक्त वो जहां चाहे धरती पर लैंड कर सकता है। चौथा कि जब की होल्डर की के मदद से किसी भी डोर से गुजरेगा, किसी दूसरे का उस डोर को एक्सेस करने पर उसके लिए वो डोर साधारण निकलेगा। पांचवा कि यदि कोई बाहर की वस्तु उस मिस्टीरियस रूम में रखे जो वहां की थी ही नहीं, तो बाहर से लॉक करने पर उसे फिर से ओपन करने पर वो वस्तु गायब हो जाएगी। वहीं यदि मिस्टीरियस रूम के अंदर की किसी भी वस्तु को छेड़कर रखा गया तो रूम को फिर से ओपन करने पर वो फिर से अपने जगह पर लौट जाएगा। छठवा के मल्टीपल लोग उस मिस्टीरियस रूम में एंटर कर सकते हैं, पर उन्हें की के साथ एग्जिट करना होगा वरना वो किसी भी रैंडम लोकेशन पर लैंड कर जाएंगे। और यदि मिस्टीरियस रूम से एग्जिट करने पर वो की रूम में ही छूट गया तो भविष्य में उस रूम को कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन जो ये रहस्य अपने जिगरी दोस्त लू से शेयर करता है, जो खुद भी एकदम हैरान हो जाता है जब की के मदद से दोनों उसके फेवरेट गेम स्टेडियम पर एंटर करते हैं। पर इससे पहले कि जो ये कानून को सबमिट करे, अगले सुबह कोई जेनिफर जो खुद को इग्नाशियो की दूर की बहन बताती है अपने भाई की बिलोंगिंग्स को कलेक्ट करने के लिए उससे मिलती है। पर जो इग्नाशियो को अच्छे से जानता था कि उसे तो कोई बहन थी ही नहीं, यानी कि वो उस की के रहस्य के बारे में जानती है, इसलिए उसे दबोचकर इसके रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करता है। पर उसके कोई नेल क्लिपर अपने हाथ में लेते ही कुछ देर बाद जो की आंखें बेहोशी में उठती है, यानी कि वो भी पेन और की के तरह कोई रहस्यमय टूल था। उसी दिन जब जो एना को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाता है, उसे कोई मरीज सिर्फ एक बस टिकट की मदद से गुस्से के जोश में डॉक्टर को सीधे कहीं गायब कर देता है। जो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि वो उसे भी गायब कर देता है और अब जो सीधे किसी अननोन लोकेशन पर क्रैश करता है, जहां वही बेचारा डॉक्टर एकदम पजल की उसके साथ जस्ट हुआ क्या, कंफ्यूज बस चले जा रहा होता है। लकली जो को एक हिंज डोर नजर आता है जिसकी मदद से वो सीधे हॉस्पिटल लौटने में सफल हो जाता है। पर जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, वो जो को जैप कर देता है। अंत में किसी तरह उसे घेरने पर वो अपना नाम वॉली बताता है और उसे धमकाने पर वो अंत में सब पोपट की तरह उस मिस्टीरियस रूम के सीक्रेट रिवील करता है कि ये सारे मैजिकल चीज जैसे वो की, पेन, नेल क्लिपर, उसका बस पास, इन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो उसी मिस्टीरियस रूम से आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे लगभग 100 ऑब्जेक्ट्स पूरी दुनिया में फैले हैं जिनमें अजीबोगरीब रैंडम शक्तियां हैं, जिसमें से कुछ काम की है तो कुछ जरा भी नहीं। जैसे कि किसी के पास एक पेंसिल ऑब्जेक्ट है जिसे टैप करने पर चिल्लर गिरता है, एक अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट जिसे होल्ड करने वाले के बारे में सामने वाले को तुरंत सब पता चल जाता है, और उसका बस पास किसी को भी गायब करके उसी सेम लोकेशन गैलप पर भेज सकता है। पर उसी लोकेशन पर क्यों वो ये सवाल को टाल देता है, पर आखिर ये ऑब्जेक्ट्स क्यों सुपरनेचुरल पावर पोजेस करते हैं और आखिर उस रूम का इतिहास क्या है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पर कुछ के अनुसार वहां भगवान की मौत हुई थी और वो ऑब्जेक्ट्स उनके शव है। दूसरों के अनुसार ये भगवान का कोई परीक्षा है, इसीलिए कई भगवान के कट्टर भक्त इन ऑब्जेक्ट्स के तलाश में हैं। वहीं कुछ का तो ये भी मानना है कि उस दिन यूनिवर्स में कुछ तो भयानक फेनोमेना घटा जिसे समझना इंसान के फिजिक्स या उसकी समझ से बाहर है। वहीं अब हम जब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें समझ आता है कि आखिर सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में स्पेशल पावर्स क्यों है, क्योंकि वो उस मिस्टीरियस रहस्यमय रूम से बिलोंग करते हैं। बाहर की वस्तु
उस रूम में ले जाने पर वो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स में नहीं बदलते, इनफैक्ट रूम को रीसेट करने पर वो गायब हो जाते हैं। पर सबसे जरूरी बात वॉली बताता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने वालों को इसका भुगतान भी भरना पड़ता है, वहीं उसे बचकर रहना होगा क्योंकि वो की सबसे कीमती ऑब्जेक्ट मानी जाती है और उसे पाने के लिए अब तक तो उसके पीछे डेंजरस लोग पड़ भी गए होंगे। जो बात उसकी सच निकलती है क्योंकि वीजा लायना को अगवा कर लेता है और उससे बेटी के बदले में की मांग करता है। जो को की का कोई लालच नहीं होता इसलिए बिना टाइम वेस्ट के उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो एकमात्र की का सबूत वीजल उसे खत्म करने की कोशिश करता है, जिसके हाथापाई में एना मौका देखकर की लेकर भाग निकलती है और आगे उसे एक हिंज डोर नजर आता है। वो की के मदद से जैसे ही उसी मिस्टीरियस रूम में एंटर करती है वीजल उसे धर लेता है और इस हाथापाई में एना रूम में छूट जाती है। वहीं वीजल की के साथ बाहर निकल आता है और पीछे रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे रूम रीसेट हो जाता है और एना हमेशा के लिए गायब हो जाती है और सीरीज का पहला एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एक्सप्लेनेशन पर।